नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं खबरी। मौजूद है अभी रानी कमलापति स्टेशन पर, जो कि यहाँ पर जीआरपी के लिए एक कैंप लगाया गया, स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। यहाँ पर क्या होता है कि जीआरपी के जितने भी जवान हैं वो ड्यूटी के वजह से अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। सरकार ने ध्यान के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर उनके लिए एक कैंप लगाया है। आई एम इस सिलसिले में जो यहाँ के सीनियर सारे उनसे बातचीत की। एएसआई विजय तिवारी, थाना जीआरपी यूनियन। आज हमारे थाने में प्रकाश आई हॉस्पिटल जी नगर से कैंप लगा हुआ है, एवं डेलिसा हॉस्पिटल से चेकअप चल रहा है डेंटल के लिए। अधिकतर हम लोग काम के अधिकता के कारण विशेष रूप से स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आज हमारे यहाँ जो कैंप लगे हुए हैं, डॉक्टर साहब ने नाक भी चेक किए हैं, सारे लोगों की आँखें भी चेक की हैं। इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों का इलाज होना है। जो हमारा कार्ड बना हुआ है, आने वाले समय में हम लोग हॉस्पिटल में जाकर चेकअप कराएंगे और जो भी समस्याएं होंगी उसका निदान। जी, आपका पूरा नाम? हम लोग का यहाँ पे 3 दिवसीय शिविर चल रहा है स्वास्थ्य शिविर। पहला हमारा था CAPF भदरा रोड में जो है, दूसरा कल हमारा जो कैंप था वो हमने किया है भोपाल मेन हॉस्पिटल में जो पुलिस हेडक्वार्टर है, आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, तो आज हम लोग यहाँ पर ही हैं। फिर डेंटल चेकअप है हमारे यहाँ से, फिर आई टेस्टिंग थी, हमारे यहाँ ईयर टेस्टिंग है और जनरल चेकअप है। और आपके मतलब तो इसके अलावा और कहाँ कहाँ ब्रांच है जो आप लोगों ने पर्टिकुलर खोल के रखा है? हॉस्पिटल की अपने भोपाल में और नियर बाय भी हमारी 8 से 10 ब्रांचेस हैं। भोपाल में ही हमारी 8 ब्रांचेस हैं, हमारी रत्नगिरी में है, चूनाभट्टी में है, नागपुर में है, अपोलो सेज में भी हमारी एक ब्रांच है, उसके बाद में वहाँ पर रायसेन में नरसिंहगढ़ व्यापार। तभी आपने वीडियो में देखा हो कि हमने पूरी जानकारी दी कि जवानों के लिए कैंप लगाया गया। ये कहिए कि हमारी छोटी सी पेशकश ऐसी खबर को देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की हर खबर पे नजर।